भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जो बड़े से बड़े घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने कर दिखाया। सही कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है। रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए इतनी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। इतनी कड़ी मुसीबत से भारतीय टीम को निकाला। जब आखिरी 6 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी तो घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 6 गेंदों में 36 रन ठोक दिए, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज कप्तान और बाबर आजम के होश उड़ गए और इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया ये घातक विस्फोटक T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला पूरा का पूरा सब कुछ हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं इस मैच छोटी सी वीडियो में। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा और SSV जयसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े, तो वहीं घातक विस्फोटक पाकिस्तान के गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को चक्कर आने लगे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान के गेंदबाज तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने में लगा था, तो वहीं पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए। लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज SSV जयसवाल भी किसी से कहां पीछे जाने वाला था। SSV जयसवाल ने भी अपने बल्ले को लहराते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में 3rd ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए, जहां पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तरह काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये भारतीय टीम के विस्फोटक शेयर किस तरीके से आउट होंगे। आप सभी को बता दें कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और SSV जयसवाल दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा महज 5 ओवर तक जाते आते जहां पर 48 रन ठोक चुके थे और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम हैरान मित में पड़ गए और काफी ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि यहां पर इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने बोकर दिखाया जो बड़े से बड़े दिग्गज न कर पाए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 6वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोंक दिया। बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया। लेकिन वहीं 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज SSV जयसवाल जब आउट हुए, आप सभी को बता दें कि SSV जयसवाल काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। SSV जयसवाल जब आउट हुए तो मैदान पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। विराट कोहली रन मशीन कहे जाते हैं। विराट कोहली एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली ने आते ही 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा, तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां, ये वही सूर्य कुमार यादव है जो एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही सभी लोग कह रहे थे कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हो, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला तो तूफानी विस्फोटक तरीके से चल ही रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक अच्छी लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे। शायद सूर्य कुमार यादव ने इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी अपने भविष्य में कभी ना की हो। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर
एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम के नाक में दम कर दी। पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को ऐसा लगा कि यह मुकाबला एक तरफा ना हो जाए, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहा था। लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 67 रनों की पारी खेल डाली और 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर जब विराट कोहली आउट हुए तो काफी ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि विराट कोहली अपने शतक से काफी ज्यादा दूर थे और वो पूरा भी कर सकते थे, लेकिन विराट कोहली कैच आउट का सामना कर बैठे एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। विराट कोहली की बॉल वो बाउंड्री के भीतर ही रह गई, जहां पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम ने उस बॉल को आसानी से कैच कर लिया और विराट कोहली को आउट का सामना करना पड़ा। लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था शिवम दुबे। काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करता है। शिवम दुबे ने सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बल्लेबाजी की, लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। महज 21 रन बनाने के बाद 16वें ओवर की 6ठी बॉल पर आउट हो गए। शिवम दुबे जैसे ही आउट हुए वैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाना वाला बल्लेबाज रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए, जो आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, बड़े से बड़े दिग्गज न कर पाए, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा न कर पाए वो रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम यहां पर रोते विलखते नजर आए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलता रहा। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तान के गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो गए। रिंकू सिंह ने वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से 18वें ओवर की 6 गेंदों और फिर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ का भी कुछ देर तक माथा चकरा गया। कोच राहुल द्रविड़ ने खड़े होकर रिंकू सिंह को सलाम ठोका। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू सिंह का साथ दे रहे थे। रिंकू सिंह इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कि तूफान सा आ गया हो। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। पाकिस्तान के कई गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रिंकू सिंह के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह की तबाही भरी बल्लेबाजी, विस्फोटक भरी बल्लेबाजी ने मैदान पर आग लगा दी। यूं ही नहीं, रिंकू सिंह का बल्ला चलता रहा और 20वें ओवर तक रिंकू सिंह ने जाते आते अकेले अपनी दम पर सिर्फ 4 ओवरों के भीतर 80 रन ठोक दिए, जहां पर एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन उससे पहले पहले आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के सामने काफी बड़ा रनों का लक्ष्य का पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरी तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर बादशाह, आप सभी को बता दें यहां पर मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और पाकिस्तान के गेंदबाज कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ाते हुए महज 18 ओवरों के भीतर पूरी की पूरी टीम को समेट लिया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को, वार्म अप मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया। फिलहाल भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच रियल मुकाबला है वो 9 जून को खेला जाएगा। आप लोग ईश्वर से दुआ कामनाएं बनाए रखें कि हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।